squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is us made for this, paid for this, yeah, slave for this. Getting down and I'ma get it right, get on sight, right. And I'ma get it right, get on sight, like. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. इट्स 6 AM इन द मॉर्निंग. कल जो नींद आई है 10:20-10:30 के आसपास पूरा रैप अप करके सोए थे और भैया क्या नींद आई है. मतलब ऐसे कि एक बार सोया डायरेक्ट सवेरे जब 5:30 बजे का अलार्म हुआ तभी उठे. सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल वर्ल्ड विद आदि. आई एम आदित्य बारंगे. स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश व्लॉग में. तो अभी कुछ प्लान ऐसा है कि पहले हम लोग जाएंगे वहां, थोड़ा नाश्ता चाय वगैरह करके आएंगे. तब तक मोबाइल वगैरह बाकी सब चीजें भी चार्ज हो जाएगी. यहाँ से 9 बजे निकलेंगे और फिर आज का दिन शुरू करेंगे, पूरा एक्सप्लोर करेंगे. सो चलो दिन शुरू करते हैं. इट्स ऑलरेडी 8 AM और अभी हम लोग चाय पीने के लिए निकले. यही पास में कोई अच्छा सा नाश्ते का दुकान होगा तो नाश्ता भी कर लेंगे. देन हमारा ऐसा प्लान है कि 9:30 अराउंड हम लोग निकल जाएंगे बीबी का मकबरा देखने के लिए. एंड देन उसके पास के 2-3 स्पॉट्स कंप्लीट करने हैं, वो आप आगे ब्लॉग में देखोगे. मैं अपना मास्क भूल गया था तो मास्क लेने आया हूँ. मैं यहाँ से बाय कर लेता हूँ. सो मैं अपना मास्क भूल गया था रूम पे ही, इसी वजह से यहाँ से मेरे को मेडिकल स्टोर दिखा. सो मैंने एक मास्क परचेस कर लिया. बिना मास्क घूमना बहुत ही गलत चीज़ है, मास्क पहनना चाहिए आपने. मैं गलती से, मैं दिमाग से निकल गया जब आधे रूट में आया, तब मेरे एकदम से दिमाग में आया कि मैं मास्क भूल गया हूँ. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक मैंने यहीं से परचेस कर लिया. और ये वाला जो एरिया है ये बीड़ बाईपास रोड है जहाँ पे हमारा होटल है. बेसिकली जब मैं औरंगाबाद बुकिंग कर रहा था तब मुझे कुछ भी नहीं पता था औरंगाबाद के बारे में. उस वजह से मैंने ऐसा कोई स्पेसिफिक जगह लोकेशन देख के होटल नहीं किया था. मेरे को जो होटल पसंद आया था और मेरे बजट में था मैंने उसी को बुक किया था और वो हमारा बीड़ बाईपास रोड पर था. बट यहाँ से हार्डली जो भी हमारे लोकेशन है वो 10-11 किलोमीटर्स अवे है. अभी देखते हैं क्या खाते हैं. कल जहाँ पे हम लोग ने नाश्ता किया था वो बहुत ही अच्छी प्लेस थी. वो एग्जैक्टली कहाँ है हमें भी नहीं पता, बट हम ढूंढ रहे हैं. अच्छा कोई प्लेस मिलता है तो वहाँ पे हम लोग नाश्ता करेंगे. सो हम लोग वापस रूम पे आ गए. ये देखिए यहाँ पीछे, अगर ये साफ होते तो बहुत क्लियर दिखता है यहाँ से. और ये रूम है हमारी. चाय पीने गए थे बाद आइसक्रीम खा के आए. बट प्रॉब्लम ये हुआ था कि इसमें कुछ तो माइक का प्रॉब्लम आ रहा था तो उस वजह से रिकॉर्डिंग बटन स्टार्ट होकर बंद हो जा रही थी. हो सो आप सभी को टाइमलेसेस अच्छे लगेंगे, टाइमलेसेस मैंने कैप्चर किया था. अभी ऐसा प्लान है कि यहाँ से भी निकलना है. 9:30 को हम लोग डॉट यहाँ से निकल जाएंगे और देन हम एक आर्टनरी बना रहे हैं जिसमें एक एक प्लेसेस हम लोग एक एक टाइम पर डिसाइड करेंगे और वही टाइम पे वो प्लेस एक्सप्लोर करेंगे. मज़ा आने वाला है तो व्लॉग को पूरा एंड तक देखना. सो अभी हम लोग निकल रहे हैं. इट्स 10:30 और बेसिकली क्या प्रॉब्लम हो रहा था, जहाँ हमारा पहला स्पॉट है शिवाजी महाराज म्यूजियम वो 10:30 को खुलता है. इस वजह से हम जल्दी निकलने का ट्राई किए थे बट फिर सोचे कि निकल के भी कोई मतलब नहीं रहेगा तो गैजेट्स पूरे चार्ज कर लें और अभी निकल रहे हैं. अच्छा थैंक यू. सो हम जो प्रॉपर्टी में रुके हुए हैं उसका नाम है साई होटल एंड लॉज. यहाँ बाजू में ही पार्किंग है. सो ये जो गाड़ी है इसने बहुत ज़्यादा साथ दिया हमें. लिटिल बर्ड है ये बट उड़ान जल्दी भरती है. हमारे यहाँ पे राइडर रेडी और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं हमारा पहला स्पॉट शिवाजी महाराज म्यूजियम में. सो चलो चलते हैं. सो वी आर इन छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम और यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ही एंट्री ली हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए और यहाँ पे जो हेड है उनसे बात किए. उन्होंने बताया कि आप शूट कर सकते हो, ये जो बाहरी एरिया है ये आप पूरा शूट कर सकते हो बट अंदर शूट अलाउड नहीं है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस. उन्होंने बताया कि अगर शूट करना है तो आपको पहले हमें एक लेटर लिखना पड़ेगा और हमारा जो
एग्जैक्ट मोटो है जो इसलिए हम वीडियोस बनाते हैं, उसका हमें पूरा उसमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो हम वो सब करने के लिए तैयार थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें 2 दिन का वेट करना पड़ेगा क्योंकि उसको अप्रूवल आने के लिए ऑलमोस्ट 2 डेज लगते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस थ्रू वो शायद कमिश्नर के पास से उसकी साइन आती है। सो उस वजह से अभी हम लोग अंदर तो शूट नहीं करेंगे, बट आप देख सकते हो बाहर में कितना सुंदर बनाया गया है ये, और आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत ही अच्छा एरिया है ये, आप आना चाहिए यहाँ पे। जो मेन मोटो यहाँ का म्यूज़ियम का ये बनाया गया है, वो सर ने बताया हमें कि जो भी लोग आना चाहते हैं म्यूज़ियम में, जो भी चीज़ें यहाँ पे रखी है, तो लोगों ने आके विज़िट करके वो चीज़ें लाइव देखनी चाहिए। इस वजह से जो हम लोग कहते हैं कि हम लोग वीडियोस इसीलिए बनाते हैं ताकि वो जगह हम लोग लोगों को दिखा पाए, और लोग वो जगह को देख के थोड़ा मतलब लोगों को एनकरेजमेंट आता है। कोई भी जगह हमें सिर्फ इमेजिनेशन में रहती है, जब हम वहाँ जाते तब पता चलता है। तो हम वीडियो के द्वारा आपको वही बताना चाहते थे कि चीज़ें कितनी अच्छी रहती है, और आप भी जाके वो चेकआउट करा करें। तो अभी हम लोग अंदर जाते हैं, शूट अलाउड नहीं है, तो पहले हम चेक करते हैं पूरा, और फिर आने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि अंदर म्यूज़ियम में क्या क्या और कैसा है। चलो, तो यहाँ पे टिकट घर है, आपको जो भी टिकट लगेगी वो यहाँ से निकालनी पड़ेगी। इसके टाइमिंग है 10:30 to 6 इन द इवनिंग, एंड द चार्जेस ऑफ टिकट्स आर 5 rupees फॉर एडल्ट्स एंड 2 rupees फॉर चिल्ड्रंस। तो वी हैव रिच पान चक, जो कि ये हिस्टोरिक प्लेस है। जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा पार्किंग का इशू है, यहाँ पे पीछे पार्किंग करनी पड़ती है आपको, रस्ते के बाद में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगने वाला है यहाँ पे, इसलिए हम लोगों ने यही पार्क कर ली। आप पीछे देख सकते हो पानी का वाटरफॉल जैसा कुछ बनाया गया है। तो चलो अंदर एक्सप्लोर करते हैं। सो ये प्लेस बंद है, अंदर जाने की एंट्री नहीं है, फ्राइडे से एंट्री होगी ऐसा है ये लोग बोल रहे हैं। हमने ट्राई किया उन्हें से कन्विंस करने का कि सिर्फ 1-2 शॉट लेने में अकेला ही जाओगा, अक्षय भी नहीं आएगा, बाहर ही रुकेगा, बट उन लोगों ने परमिशन नहीं दी है। बट कोई नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए हैं उसको फॉलो करना चाहिए। और यहाँ से हम लोगों ने छोटे छोटे ग्लिम्स लेने की कोशिश की, क्योंकि आप देख सकते हो पीछे छोटे छोटे पैचेस हैं जहाँ से हम लोग वीडियोज़ ले सकते हैं, तो हमने वो ट्राई किए, तो आप वो देखिए।